दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। कि आपको कभी भी जिंदगी में ठंडा पानी नहीं पीना, ठंडा पानी कभी नहीं पीना। ठंडा पानी से मतलब क्या है? ठंडे पानी से मतलब है रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ पानी, ठंडे पानी से मतलब है बर्फ डाला हुआ पानी, ये कभी भी नहीं पीना। क्यों? आप ही मुझे बताओ, अगर आपका शरीर ठंडा हो जाए तो अच्छा है? नहीं तो क्यों चाहते हैं आप ठंडा पानी पीना? अगर शरीर ठंडा नहीं हो तो अच्छा है, और हो जाए ठंडा तो आप मर जाएंगे, तो क्यों ठंडा पानी पीना चाहते? शरीर के अनुकूल नहीं है। तकलीफ क्या आती है वो समझ लीजिए। आप जैसे ही ठंडा पानी पीते हैं, शरीर ठंडा ना हो जाए इसके लिए पोट में वो पानी गर्म करना पड़ता है। आप कितना भी ठंडा पानी पिएंगे, पोट उसको गर्म करेगा, और पानी को गर्म करने के लिए ऊर्जा लगती है, और वो ऊर्जा है आपका रक्त। तो ज्यादा ठंडा पानी पिएंगे तो पोट उस पानी को गर्म करने के लिए पूरे शरीर से रक्त को खींचेगा, तो शरीर का सारा रक्त पोट में आएगा, तो शरीर के बाकी अंगों और उपांगों को रक्त की कमी आ जाएगी उतनी देर के लिए जब तक वो पानी गर्म नहीं होता। और अगर शरीर के अंगों को बार बार ये रक्त की कमी आती रही तो ये अंग खराब हो जाएंगे, और आपको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, किडनी फेल हो सकती है, लीवर डैमेज हो सकता है, आपके किसी भी शरीर के अंग का कवाड़ा निकल सकता है। इसलिए ठंडा पानी कभी नहीं पीना। और ठंडे पानी का एक दुष्परिणाम, वो मैंने खुद देखा है मेरी आंखों से, जो लोग बहुत ठंडा पानी पीते हैं उनकी अंतड़ियों में संकुचन बहुत आ जाता है, इंटेस्टाइन संकुचित हो जाए, और इंटेस्टाइन अगर संकुचित हो तो फिर पेट साफ नहीं हो सकता, संडास साफ नहीं आएगी, और जिनको संडास नहीं आएगी उनको कॉन्स्टिपेशन होगा, और कॉन्स्टिपेशन मदर डिसीज है, सभी बीमारियों की आई है कॉन्स्टिपेशन। अगर एक कॉन्स्टिपेशन आ गया, कोष्ठबद्धता, कब्जियत, तो सैकड़ों बीमारियां अपने आप चल के आएंगी। आप में से कोई विदेश प्रवास अगर किया हो तो मेरी बात तुरंत समझ जाएगी। अमेरिका में और यूरोप में बहुत ठंडा पानी देते हैं, चिल्ड वाटर, पानी को फ्रिज में रखते हैं, ऊपर से बर्फ डाल के फिर पीते हैं। कई बार वो पानी तीन तीन दिन फ्रिज में रखा रहता है, फिर भी बर्फ डाल के फिर पीते हैं। उसका दुष्परिणाम मैंने देखा है, ये जितने भी अमेरिकन और यूरोपियन लोग चिल्ड वाटर पीते हैं, वो सवेरे जब संडास घर को जाते हैं तो एक एक तास, दो दो तास बाहर ही नहीं आते, अंदर ही बैठे। उनको मैं पूछता हूं, भाई क्या करते हो दो तास संडास घर में? तो कहते व्रत पत्र पढ़ते, न्यूज़पेपर। क्यों पढ़ते हो? तो पोट साफ नहीं होता, संडास नहीं उतरती, इसलिए इंतजार करना पड़ता है, व्रत पत्र पढ़ते। तब मेरे समझ में आया कि यूरोपियन और अमेरिकन जो फैमिलीज हैं उनके संडास घर में लाइब्रेरी होती है। हाँ, संडास घर में लाइब्रेरी, किताबें सब संडास घर में ही रखेंगे, क्योंकि वो बैठ गए हैं, अब दो तास बैठने का है तो पढ़ते रहते। एक बार मैंने एक अमेरिकन परिवार को पूछा कि आप अपना संडास घर में ये कमोड सीट क्यों बनाते हैं, भारतीय पद्धति वाला क्यों नहीं बनाते? तो कहते हैं वो राजी भाई, भारतीय पद्धति वाले संडास पर 5 मिनट बैठ सकते हैं, हमको 2 तास बैठने का है, इसलिए कमोड सीट बनाते हैं, आराम से कुर्सी की तरह से बैठ जाते हैं, 1 तास 2 तास। और वो बेचारे इतने परेशान होते हैं कई बार, हाँ संडास उतरती नहीं, एक एक तास जोर लगाते हैं, ताकत लगाते हैं, फिर भी नहीं उतरती, फिर कभी कभी गाना भी गाते हैं, मेरे सपने की रानी कभी आएगी वो आती नहीं, और ज्यादा परेशान आते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो फिर कहते हैं एक बार आ जा, आ जा, फिर भी नहीं आते, क्या करें। और मैंने देखा कि ये जो अमेरिकन यूरोपियन लोग दो दो तास टॉयलेट में बैठे रहते हैं, इनके मुंह से बहुत बास आती है, तो मुंह की बास को छुपाने के लिए माउथ फ्रेशनर हमेशा स्प्रे करते रहते हैं। और मुंह की बास वो क्यों आती है? क्योंकि पेट साफ नहीं होता, शरीर में से बास आती है,
तो डिओडोरेंट स्प्रे करते रहते हैं क्योंकि पेट साफ नहीं होता, तो पेट साफ होगा नहीं तो मुंह से भी बास आएगी, शरीर से भी बास आएगी। तो बहुत साल के बाद मेरे समझ में आया कि ये डिओडोरेंट स्प्रे इसलिए नहीं करते कि वो फैशन है, इसलिए स्प्रे करते हैं कि शरीर से बास आती, और फ्रेशनर इसलिए नहीं स्प्रे करते कि वो स्टेटस सिंबल है, इसलिए करते हैं कि मुंह से बास आती, और बास इसलिए आती है कि पोट साफ नहीं होता, और पोट साफ इसलिए नहीं होता कि रोज चिल्ड वाटर पीते हैं ठंडा पानी। आपने पीना कभी, आप हमेशा पानी कैसा पीना, तो आप बोलेंगे घड़े का पानी पी सकते हैं क्या? हाँ घड़े का पी सकते हैं, मिट्टी के बने हुए घड़े का पानी कभी भी चिल्ड वाटर नहीं होता। चिल्ड वाटर का मतलब है जिस पानी का तापमान 15 डिग्री से कम हो, और मिट्टी के घड़े में पानी आप रखेंगे तो उसका तापमान जो रूम टेम्परेचर है उससे 2 या 3 डिग्री ही कम होता है, ज्यादा कम नहीं होता, इसलिए मिट्टी के घड़े का पानी पी सकते हैं, वो ठंडा नहीं माना जाता। तो आप अभी गर्मी का दिन है, मिट्टी के घड़े का पानी पियो, फ्रिज का पानी मत पियो। जो फ्रिज का पानी पियोगे तो जिंदगी भर 2 बीमारियों से लड़ना ही पड़ेगा आपको, एक तो ये गुर्दे दुखना, कमर दुखना, कंधे का त्रास, और दूसरा वजन बढ़ता ही जाएगा, कमर भी दुखेगी, घुटने भी दुखेंगे, वजन भी बढ़ेगा, और कोई डॉक्टर दुनिया का आपको ठीक नहीं कर पाएगा इस बीमारी से। वो कहेगा वजन घटाने के लिए कुछ दवा खा लो, दवा खाएंगे थोड़े दिन घटेगा, फिर उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा और तकलीफ आएगी। कहेगा घुटने का दर्द खत्म करने के लिए पेन किलर खा लो, जितनी देर दवा खाएंगे घुटने का दर्द बंद रहेगा, फिर दवा का असर खत्म हुआ फिर वापस आएगा। इसलिए फ्रिज को पानी के लिए उपयोग नहीं करना, ये आप अपने घर का नियम बना दो, फ्रिज का पानी बर्फ डाला हुआ पानी गलती से भी नहीं पीना, ये तीसरा सूत्र है। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।